खबर शिवपुरी जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश पर पुलिस की टीम ने शहर के बस स्टैंड पर शासकीय भांग ठेके की दुकान पर अवैध रूप से बेचे जा रहे गांजे को जब्त कर कार्रवाई की है। बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे प्लास्टिक की बोरी में 4 किलो गांजा भी जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार भांग की दुकान पर इस तरह गांजे के अवैध कारोबारियों पर इस तरह की ये बड़ी कार्रवाई पहले भी की गई है और इस कार्रवाई के तहत ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया। पोहरी बस स्टैंड पर दो व्यक्तियों को शासकीय भांग के ठेके पर से गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8/20 NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई है। गांजा लगभग 4 किलो है जिसकी कीमत 40,000 है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त हुई है जिसकी कीमत लगभग 50,000 है। प्रकरण में धारा 29 के तहत भी कार्रवाई की गई है एवं शासकीय भांग जो ठेकेदार हैं उनको धारा 29 के तहत जो आरोपी पकड़े गए हैं